दिन भर के सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। डीआईजी की अपील, दिशा निर्देश के अनुसार घरों से निकलने पर मास्क जरूर लगाएं, पकड़े जाने पर विधिक कार्रवाई के साथ देना होगा जुर्माना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि मिशन प्रेरणा अभियान और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जनपदों में प्रेरकों की जाए नियुक्ति। सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून को लोगों ने सराहा, कहा गोवंशी व गायों पर क्रूरता के मामले में आएगी कमी। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सहजनवा के भीटी रावत में प्राइमरी स्कूल में निगरानी समिति की बैठक में कोरोना वायरस के प्रति लोगों को किया जागरूक। पास्को एक्ट मामले के तहत जनपद के समस्त क्षेत्र अधिकारियों विवेचकों के साथ एसएसपी पास्को व विशेष लोक अभियोजन न्यायाधीश ने की बैठक। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कसोल बॉर्डर चेकिंग प्वाइंट व पूर्वांचल डेंटल हॉस्पिटल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एडीएम वित्त ने बताया कि मानसून को देखते हुए बाढ़ से बचाव के लिए सभी बंधों का सर्वे कर रेड रोल को ठीक करने का दिया गया है निर्देश। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भलोटिया मार्केट का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। झगा थाना क्षेत्र में डबल मर्डर में शामिल 10,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झगहा थाना क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता के खिलाफ माननीय न्यायालय से प्राप्त वारंट को घर पर किया चस्पा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पंचायत राज विभाग के डायरेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से कहा प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत दिया जाए कार्य। 5 वर्ष पूर्व प्रेम प्रसंग में पत्नी की हत्या करने वाले 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रमुख सचिव कृषि व कृषि डायरेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों से कहा भूमि संरक्षण कर सिंचाई हेतु पानी का किया जाए संचय। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की 123वीं जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने सुंदरीकरण कार्य का किया निरीक्षण। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की 123वीं जयंती के अवसर पर सपा कार्यकर्ताओं ने जिला कारागार स्थित मूर्ति पर किया माल्यार्पण। एसडीएम ने असुरन से पादरी बाजार चौराहे तक विभिन्न दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क आदि प्रयोग के संबंध में की जांच, दिए आवश्यक निर्देश। मात्र छाया चैरिटेबल फाउंडेशन ने 2 मानसिक विक्षिप्त महिला को ठीक होने के पश्चात परिजनों के साथ भेजा घर। और उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड के निदेशक ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ UPRNSS राजकीय निर्माण एजेंसी के अधिकारियों के साथ जनपद में चलाए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा।